और दोस्तों आप लोगों को तो पता ही है रियलमी की जो सी सीरीज होती है वो कितनी ज़्यादा पॉपुलर मानी जाती है। रियलमी का सी आया था, रियलमी का सी टू आया था, बहुत ज़्यादा कमाल धमाल स्मार्टफोन थे। अब रियलमी की सी सीरीज का एक और स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया गया जिसका नाम है रियलमी सी थ्री। जी हाँ दोस्तों, ये रियलमी सी टू का अपग्रेड बन करके आया है। मैं इस वीडियो में दोस्तों आपको रियलमी सी थ्री के बारे में सारी की सारी जानकारी दे देता हूँ बिना आपका टाइम वेस्ट किए। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम चौहान एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे पास टेक चल रहा है। जब फ्रेंड्स वीडियो में आगे पढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार कोई वीडियो देख रहे हो तो मोस्ट वेलकम, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन को हिट कर दो। मैं स्टार्टिंग में इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि आप बाद में वीडियो की भावना में खो जाते हो और चैनल सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, तो अभी सब्सक्राइब करो, ऑल पे क्लिक करना ताकि मेरे सब वीडियो की नोटिफिकेशन आपको 100% मिलती है जैसे वीडियो को अपलोड करते हैं। चलिए दोस्तों, बात करेंगे हम लोग यहाँ पे रियलमी सी थ्री की डिस्प्ले के बारे में। तो यहाँ पे आपको 6.53 इंच की वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले देखने को मिल जाती है और ये डिस्प्ले आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन के साथ आती है। और हाँ दोस्तों, बात करें इसके बैक पैनल की, तो बैक में यहाँ पे आपको दो कैमरे देखने को मिल जाते हो और जैसा कि आप देख पा रहे हैं बैक में यहाँ पे कोई भी फिजिकल टच वाला फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं देखने को मिलता है। अब दोस्तों बात आई गई है बैक की, तो बैक में यहाँ पे जो दो कैमरे देखने को मिल रहा है, इसका प्राइमरी सेंसर जो देखने को मिल रहा है वो दोस्तों 12 मेगापिक्सल का देखने को मिल रहा है जो कि 1.8 अपर्चर के साथ आता है, और दूसरा कैमरा आपको देखने को मिल रहा है 2 मेगापिक्सल का देखने को मिल रहा है जो कि 2.4 अपर्चर के साथ आता है। और यही दोस्तों बात कर रहे हैं रियलमी सी टू आया था उसमें आपको जो कैमरे देखने को मिल रहे थे वो वहाँ पे भी आपको दो कैमरे बैक में देखने को मिल रहे थे, वहाँ पे आपको 13 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का देखने को मिलता था। रियलमी सी थ्री के फ्रंट कैमरे की बात करें तो यहाँ पे आपको 5 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता और यही आपको रियलमी सी टू में भी देखने को मिला था। और हाँ दोस्तों, ये स्मार्टफोन आपको दो वेरिएंट में देखने को मिलेगा, 3GB 32GB स्टोरेज के साथ आएगा, 4GB 64GB स्टोरेज के साथ आएगा और दोनों में ही आपको माइक्रो डेडिकेटेड एसएसडी कार्ड का स्लॉट भी देखने को मिल जाएगा जिसकी मदद से आप अपने मेमोरी को एक्सपेंड कर पाएंगे। दोस्तों मुझे इस स्मार्टफोन में दो बहुत अच्छी चीज़ें लगी हैं जिससे आप कह सकते हो ये रियलमी सी टू का वाकई में अपग्रेड है। बात करें दोस्तों यहाँ पे इसकी बैटरी की, तो यहाँ पे आपको 5000mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है और रियलमी सी टू में आपको 4000mAh की बैटरी देखने को मिली थी। और सबसे कमाल है दोस्तों इसका प्रोसेसर, इसमें आपको हीलियो का G70 प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है जो कि 12 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है और ये रियलमी के पहली बार किसी स्मार्टफोन में आ रहा है। दोस्तों प्रोसेसर बहुत ज्यादा कमाल का है। अब दोस्तों बात करें इसकी प्राइस के बारे में, तो 3GB 32GB वाले वेरिएंट की कीमत रखी गई वो 6999 रखी गई है, वही 4GB 64GB वाले की रखी गई वो 7999 रखी गई है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये स्मार्टफोन पसंद आया तो इसकी पहली सेल 12 फरवरी को फ्लिपकार्ट पर हो रही है, वहां से जाकर के परचेज कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, परचेज करने के टाइम पर कुछ ऑफर भी आपको दिए जा रहे हैं वो मैं आपको बताना देना चाहूंगा। अगर आप किसी मोबाइल के साथ एक्सचेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको ₹1000 का एक्सचेंज ऑफर देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपके पास एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है तो यहाँ पे आपको 5% का कैशबैक भी देखने को मिल जाएगा, तो आपके दोस्तों कुछ पैसे कम हो जाएंगे। चले दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको रियलमी सी थ्री की सारी जानकारी मिल गई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो शेयर भी कर देना क्योंकि ₹6000 की प्राइस में दोस्तों ये अच्छा स्मार्टफोन हो सकता है। अगर कोई परचेज करना चाहता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर देना। मैं मिलूंगा आपको नया इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।